जब किसी का बेटा खोता है तो वो दर्द वही जानता है। तो आज हमारे सामने वीरों की धरती गाजीपुर में आज शहीद कन्हैयालाल यादव के पिताजी हैं और उन्हें गर्व भी है कि मेरा बेटा भारत माता की सेवा करते हुए शहीद हो गए और ऐसे लाल को उन्होंने पैदा किया कि आज जिले का भी नाम रोशन किया और उनका भी नाम रोशन किया और पूरे भारत देश का नाम रोशन किया। तो इसी क्रम में बातें करते हैं कि क्या मांगे हैं आप, शासन प्रशासन से क्या मांगे रखते हैं शहीद परिवार के लिए? वो आंखों में आंसू छलक रहे हैं, आप देख सकते हैं। वो पिता है और पिता का दर्द क्या होता है वो उससे ज्यादा हम नहीं बता सकते हैं आपको। तो काफी दुख भरा ये टाइम है और इन बातों को पूछना बहुत ही कठिन सा महसूस भी हो रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरियां होती है, लोगों के सामने इनकी बातों को रखना भी रहता है कि इनकी बातें कहां तक पूरी हुई। तो सामने उनके ये पिताजी हैं और जानने की कोशिश करते हैं विभाग से आपकी क्या मांगे हैं जो आप उस शहीद परिवार के लिए चाह रहे हैं। आपका हमारी मांग तो यही है कि जो उसका हक है सब उसके परिवार को मिलना चाहिए, उसके बाल बच्चों को हमको धन को पैदा कर दे जो उसका कर्म है वो संभाल लिया। अब हम क्या, तो मेरी तो ये हार्दिक इच्छा यही है उसका बच्चा वो है तो भी जरा पढ़ लिख के भी किसी नहीं करे नाम है उसकी शादी करिए हमारी पता। तो उनके पिताजी कह रहे हमको कोई जानकारी नहीं मिली थी, हमको दिए नहीं लोग। आपको बताया नहीं गया कि आपका पुत्र जो है कि शहीद हो गया है भारत माता की सेवा करते हुए? हमको नहीं मालूम। तो किसके माध्यम से आपको फिर जानकारी ये मिली? हमारे घर का मेरा भाई लगता है वही, उससे पूछे सुबह में कल आप तो कहा कि नहीं अच्छे हैं जी है। हम कहे कि आओ ना बताओ, सही सही बताओ क्या हुआ। रोने लगा वो, अब मेरी लड़की भी रोने लगी। तब हम पूछा पास हुआ कि नहीं गड़बड़ है। तो आपके सुपुत्र से कब बात हुई थी आपकी? 14 तारीख को करीब हमें 4 बजे शाम। तो आपसे कुछ कहा था? नहीं हमसे बात नहीं हुई थी। भारत 13 तारीख रहती है सर, 9 बजे ना हमसे बात नहीं हुई थी ना, हम तो दिन में 4 बजे रात में तो आपसे उनसे मामी। तो आपसे कुछ कहे थे, कुछ बातें हुई थी कि हम कब आने वाले हैं या कोई ऐसी बात आपसे कही? हाँ वो तो बोले थे कि नहीं हम इसके मई के लास्ट में हम आएंगे, जून में, हाँ जून में आएंगे 8-10 दिन के लिए जी। तो आपने वीरांगनी है और ऐसे वीरांगनी को मैं सत सत नमन करता हूँ जिसने ऐसा पति पाया भारत माता की सेवा करते हुए शहीद हो गए। तो ये गर्व की भी बात है कि ऐसी वीरांगनी जिसने ऐसा पति पाया। तो सामने आप देख सकते हैं उनकी धर्मपत्नी है और जीवन काल बहुत ही लंबा है, कैसे कटेगी ये जिंदगी ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस फैमिली पर। और हम आप जनता से अपील करना चाहते हैं कि इनकी बातें वहां तक पहुंचाइए जहां तक इनकी बातें पहुंचनी चाहिए। तो आप की आप शासन प्रशासन से क्या मांग करती हैं? हमारे लाल के नौकरी दे दें, हमारे रानी के पढ़े लिखे के ब्याह शादी करे के, हमारे सास ससुर उनके देखभाल करे के हमके चाहिए, हमारे को देवर पूछे न कर न उनके दुगो लड़की लड़का हुआ, हम यह विनती करें कि हमारे उनके कुछ मिले के चाहिए। हम हाथ जोड़ के ये मांग प्रशासन से भाई हमारे राम तो कुछ न तो कर, लेकिन कम से कम ये लोग हमके कुछ कर मद, हम कहाँ पाए हम कैसे कर। आयो राम, आयो राम, राम
आपसे कुछ बातें होती थी कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या कराना है? मैं राम कह रहा, हम अपने लाल के कलर बनाई, हम अपने लड़की के टीचर बनाई, पढ़ा लिखा के हम घर द्वार बनाई, हम स्टैंडर्ड से हाई आओ कर, हमारा राम कुछ ना कह के गई ना, राम हम क्या बदला में छोड़ देना, क्या करी तो आपने देखा एक